तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य को विवादों का स्वामी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रह रहकर गलत बयानबाजी करना उनकी फितरत सी हो गई है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलाने के फैसले को सही ठहरा दिया है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर तत्कालीन सपा सरकार के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार ने कार सेवकों पर गोली अमन चैन कायम रखने के लिए चलवाई थी। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। वहीं मंत राजू दास कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान बौद्धिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि इस तरह के बयान देने वालों पर शिकंजा कसे। वहीं सपा नेता राकेश सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य पर वार करते हुए कह रहे हैं कि सनातन का अपमान बार बार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बाबत वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी शिकायत करेंगे। राकेश सिंह ने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि धर्म को लेकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। सनातन को जानने के लिए मादूपी गुरु को अपनाना होगा, तभी हम सनातन को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैंने मिलकर कहा है कि उनपे उनके जो बयान है उस पर विराम लगाया जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है कि धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। पूरे 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में उन्होंने कहा कि धर्म पे कोई वार्ता नहीं करेगा। शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवाद को बढ़ावा देना हो गया, और ये बौद्धिक आतंकवाद जिस प्रकार से सनातनियों को आहत करता है जिसका कोई जवाब नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर से 2-3.5 किलोमीटर दूरी पर गोली चलाना, उस कुतर्कों को तर्क देकर इस प्रकार से जस्टिफाई करना कि समाजवादी पार्टी ने ठीक काम किया था, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करता हूँ, इस बौद्धिक आतंकवादी के साथ जो एक आतंकवादी के साथ व्यवहार होता है वही करना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, विवादित बयानों की बाढ़ सी आ गई है। कभी कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर तो कभी मंदिर आंदोलन को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य का तो विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है, इसलिए उनका नाम विवादों का स्वामी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कासगंज से जुम्मन कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।